फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वैद्यनाथ कंपनी की खदीरा लिस्ट के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों को चर्म रोग की दिक्कतें रहती है, जैसे कि त्वचा के विकार, एक्ने पिंपल्स होना, खाज खुजली होना, त्वचा पर रेसेज पड़ना एवं चकत्ते होना जैसी कोई भी समस्या हो, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस दवा की सही सेवन विधि के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसको कौन कौन से लोग ले सकते हैं एवं इसका सेवन जो है वो कब करना चाहिए, आदि सब जो है वो बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वैद्यनाथ खदीरा लिस्ट के अंदर खदीर, देवदारू, दारू हल्दी, इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी, त्रिफला एवं धाई के फूल आदि सब मिलाए जाते हैं। जिन लोगों को रक्त दुष्टि या खून की अशुद्धि एवं त्वचा से संबंधित कोई भी विकार हो, वो लोग इस दवा को चिकित्सक के परामर्श पर सेवन कर सकते हैं। वैद्यनाथ खदीरा लिस्ट खून को साफ करती है। खदीरा लिस्ट त्वचा पर होने वाले फोड़े फुंसी, खाज खुजली, एक्ने पिंपल्स एवं इनके कारण से होने वाले दाग धब्बों को एकदम जड़ से ठीक करती है। त्वचा पर पड़ने वाले चकत्ते, त्वचा पर पड़ने वाले रेसेज, एक्जिमा एवं सोरायसिस जैसे रोग जो हैं वो इस दवा के सेवन से एकदम जड़ से चले जाते हैं। वैद्यनाथ खदीरा लिस्ट त्वचा की एलर्जी को भी ठीक करती है। इतने सारे फायदों के अलावा ये खून की कमी को भी दूर करती है। वैद्यनाथ खदीरा लिस्ट अरिष्ट कैटेगरी की एक आयुर्वेदिक दवा है। इसको 15 से लेकर 30 ml तक बराबर मात्रा में पानी मिलाकर सेवन किया जा सकता है। खदीरा लिस्ट को खाने के बाद में ही लेना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।